धन्यवाद दक्षा जी, इतने महत्वपूर्ण चर्चा पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, जैसा भी यहां सीबीआई और ईडी का जिक्र सदन के अंदर हुआ और सबने देखा कि किस प्रकार से एक तानाशाह इस देश की गद्दी के ऊपर बैठे हुए हैं और वो अपनी तानाशाही के अंदर किस प्रकार से देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम और आम आदमी पार्टी, जिन अरविंद केजरीवाल जी को ये देश जानता है कि उनका राजनीति के अंदर जो जन्म हुआ वो भ्रष्टाचार आंदोलन से हुआ, इस देश से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हुआ, और पूरे देश के अंदर उनके नाम की दुहाई दी जाती है क्योंकि सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और उसके बाद ही आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है। और अरविंद केजरीवाल जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है अध्यक्ष जी, अरविंद केजरीवाल जी इस देश की आईआईटी से तो पढ़े हैं, साथ में उन्होंने अन्ना आंदोलन से अपनी शुरुआत की, एक आईएएस थे, उस नौकरी को छोड़ा और कहते हैं कि अगर आपको पैसा कमाना हो तो इनकम टैक्स में नौकरी कर लेना, करोड़ों अरबों रुपए कमा लोगे। अरविंद केजरीवाल जी ने उस नौकरी को छोड़ने का काम किया। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, कोई गांव का प्रधान बन जाता है अगर उससे आप कहो कि अपनी प्रधानी छोड़ दे तो बीच में छोड़ने के लिए राजी नहीं होता है, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ी और दिल्ली के लोगों ने उनको इतना प्यार और आशीर्वाद दिया कि जब पहले 28 सीटें थी और जब दोबारा चुनाव लड़े 2015 में गए दिल्ली के लोगों के बीच में तो 70 में से 67 सीटें देके अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, जो ऐतिहासिक था, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उन्होंने सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर, गली गली में जाकर, झुग्गियों के अंदर जाकर राशन माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उन्होंने उस दर्द को झेला है कि गरीब आदमी को पानी नहीं मिल पाता पीने के लिए, उन्होंने उस दर्द को झेला है कि कैसे गरीब दलित का बच्चा झुग्गी में बिना बल्ब के, बिना लाइट के सोता है, उन्होंने इस दर्द को झेला है। और उसके बाद जो सरकार बनी तो उन्होंने दिल्ली के लोगों को, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, हर क्षेत्र में उन्होंने अभूतपूर्व बदलाव करने का काम किया, क्योंकि उनको पता था उन गरीब आदमियों का, उन झुग्गी वालों का दर्द वो जानते थे। तो लेकिन कल उन्हें सीबीआई ने समन किया, सीबीआई ने उनको बुलाया और सीबीआई ने जब बुलाया तो 56 सवाल उनसे पूछे। आज 56 इंच सीने वाले लोग, 56 इंच छाती वाले लोग सीबीआई के पीछे छुप के वार कर रहे हैं। अरे अगर हिम्मत है और असली में मर्द हो तो सामने आके वार करो, सीधा हमने सामने की लड़ाई करो। अरविंद केजरीवाल डरते नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी तो दबने वाले नहीं है, वो एक ऐसे नेता है जिनको पूरा देश पसंद करता है, क्योंकि उन्होंने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को, आज हर देश का एक एक कोना जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में क्या बदलाव किए। लेकिन मोदी जी बहुत घबरा गए हैं, प्रधानमंत्री जी बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता दिल्ली के अंदर नहीं, दिल्ली के बाद पंजाब भी पहुंच गई, और पंजाब के बाद प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी डर तो तब गए जब उनको पता लगा कि गुजरात के अंदर जो प्रधानमंत्री का गढ़ था, जो अमित शाह का गढ़ था, गुजरात के 40 लाख लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट देकर समर्थन दिया, उस दिन के बाद से उनकी नींवें हिलने शुरू हो गई। आज ये देश देख रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है सीबीआई के माध्यम से, ईडी के माध्यम से। और ये सीबीआई और ईडी ये इतने बड़े धोखेबाज लोग हैं, ये इतने झूठे लोग हैं सीबीआई ईडी वाले, ये जाकर कोर्ट में झूठा एफिडेविट दे देते हैं, ये जाकर कहते हैं, भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता चिल्ला चिल्ला के कहते थे घोटाला हो गया दिल्ली के अंदर, बहुत बड़ा घोटाला हो गया, 14 मोबाइल फोन बदले गए, 14 मोबाइल फोन। आज मैं डिबेट में जाता हूं तो पूछता हूं कितने मोबाइल फोन बदले गए, चुप हो जाते हैं उस मुद्दे पे, बात नहीं करते, क्योंकि इनकी पोल खुल गई। जो 14 मोबाइल की बात करते थे उन मोबाइल में से 5 मोबाइल तो सीबीआई के पास है, जिनको कहते थे कि वो नष्ट कर दिए गए। तो ये इतने झूठे लोग हैं, ये कोर्ट में एफिडेविट देते हैं, वहां पे झूठ झूठ बोलते हैं जाके। तो आज पूरा देश इनको देखने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी 18-18 घंटे काम करते हैं, भाजपा वाले कहते हैं, बड़े चिल्ला चिल्ला के कहते हैं प्रधानमंत्री 18-18 काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं भाई, काम तो दीमक भी करती है दिन रात, काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वो निर्माण का नहीं विनाश का काम करती है। आज प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं वो इस देश को विनाश की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं, वो आज देश विक्रेता बन के काम कर रहे हैं, देश को बेचने का काम कर रहे हैं,
और किसके द्वारा बेचने का काम कर रहे हैं? अपने मुंह बोले भाई अडानी के द्वारा इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री 18-18 घंटे दिमाग लगाते हैं कि मैं कैसे एयरपोर्ट बेच दूं, मैं कैसे पोर्ट बेच दूं, मैं कैसे सेल बेच दूं, मैं कैसे रेल बेच दूं, और सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया इस देश का। 18-18 घंटे काम किया, लेकिन आज ये देश मुझे लगता है कि जाग रहा है। आपके जो पंगा लिया है वो अरविंद केजरीवाल जी से लिया है, और अरविंद केजरीवाल जी, मैंने उनके बारे में बताया कि वो ऐसे व्यक्ति हैं कि अब प्रधानमंत्री जी का मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी का समय नजदीक आ चुका है। 2024 नजदीक है और देश की जनता जागने वाली है। प्रधानमंत्री जी का जो खुलासा अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की विधानसभा के अंदर किया था, आज उसकी चर्चा गांव तक, गली गली तक, मोहल्ले मोहल्ले तक देश के अंदर पहुंच चुकी है, और वो चर्चा आज देश के लोग करने का काम कर रहे हैं। और ईडी आज क्या काम कर रही है? ईडी आज बंदूक की नोक पर, आज ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुका है। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि ये सीबीआई जो है ये कांग्रेस ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन आज ये सेंट्रल भाजपा इन्वेस्टिगेशन बन चुकी है। ये उनके रूप में काम कर रही है, धमका के बंदूक की नोक पर ईडी बयान लेती है। किसी की बेटी को, किसी की वाइफ को बैठाकर ईडी कमरे में उससे बयान लिखवाती है, कहती है अरविंद केजरीवाल जी का नाम ले दो, क्योंकि उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति है। कंस को भी पता था ये बात, कंस को भी पता था कि श्री कृष्ण उसका काल बनेंगे, और कंस ने अपनी पूरी ताकत लगाई श्री कृष्ण को खत्म करने की, लेकिन देश जानता है, इतिहास जानते हैं सब लोग कि श्री कृष्ण दबे नहीं, ये सब जानते हैं। और मैं कहना चाहता हूं सदन के अंदर, अरविंद केजरीवाल भी दबेंगे नहीं, अरविंद केजरीवाल जी दबेंगे नहीं, और वो ना झुकेंगे ना रुकेंगे, वो इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। एक और मैं बात कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से देश को ईडी और सीबीआई के माध्यम से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष के नेताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये सारे जो ईडी और सीबीआई वाले हैं ये विपक्ष के हैं क्यों पहुंचते हैं भाई? भाजपा में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है क्या? अभी मैं पढ़ रहा था कर्नाटक के अंदर एक अधिकारी था जिसने 4500 करोड़ का एम घोटाला किया, और कल जब भाजपा की लिस्ट जारी हुई कर्नाटक की तो उसके अंदर उसका नाम था। ये कितनी शर्म की बात है, ये इनकी लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ। और सीबीआई ईडी ने जो अभी तक केस रजिस्टर्ड किए हैं मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। टीएमसी पर 30 मुकदमे दर्ज किए अभी तक, आईएनसी पे 26, आरजेडी पे 10, बीजेडी पे 10, वाईएसआर पे 6, बीएसपी पे 5, टीडीपी पे 5, आप पे 4, एआईएडीएमके पे 4, सीपीएम पर 4, एनसीपी पे 3। 95% जो केस रजिस्टर्ड किए गए वो सब विपक्ष के दलों के खिलाफ किए गए। आज मोदी जी चाहते हैं कि वो विपक्ष को खत्म कर दे। यहां हमारे भाजपा के साथी बैठ के कहते हैं विपक्ष को मौका दो, ये तो 8 ही है, वह सदन में कितनी संख्या देख लीजिए, लेकिन ये आज चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे आज विपक्ष के नेताओं को खत्म किया जा सके, क्योंकि आज डर दिल के अंदर बैठ चुका है प्रधानमंत्री जी। उनको पता है कि लड़ाई आसान नहीं है, लड़ाई बहुत कठिन है, 2024 की डगर इतनी आसान नहीं है। अभी तो इन्हें क्या क्या कराना पड़ेगा पता नहीं देश के अंदर। हो सकता है दंगे भी कराएं, लड़ाई भी कराएं, झगड़े भी कराएं, लोगों को आपस में बांटे, क्योंकि उसके बिना तो सत्ता में ये नहीं आ सकते हैं। अगर एक काम की बात करेंगे तो जिंदगी में कभी कोई भाजपा का स्टेट का मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है कि वो अरविंद केजरीवाल जी से काम के मामले बराबरी करके दिखा दे, काम के मामले बराबरी करके दिखा दे, ना शिक्षा में, ना स्वास्थ्य में, ना पानी में, ना बिजली में। तो अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से आज इस देश को ईडी और सीबीआई के माध्यम से दबाने की कोशिश की जा रही है, ये देश दबने वाला नहीं है। इस देश के लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए अगर हम लोगों को, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता बचेगा तो उस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। इस देश के संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई जारी रहेगी, संघर्ष जारी रहेगा। जय भीम, जय संविधान। आपने मुझे बोलने का मौका दिया।